welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So today we are going to talk about marks versus percentile. So मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपने एक्सपेक्टेशन से बहुत कम मार्क्स आए हैं या फिर उनके एक्सपेक्टेशन जैसे मार्क्स नहीं आए हैं और लोगों का कहना है कि उनको कम मार्क्स आए हैं, सबको कम मार्क्स आए हैं, तो उनके हिसाब से उनका परसेंटाइल क्या बनना चाहिए, इसको सबको डाउट होता है, मुझे भी था, आपको भी है. सो सबसे पहले हम लोग बात कर लगे कि परसेंटाइल होता क्या है. आपका परसेंटाइल ऐसे डिसाइड होता है कि आपके शिफ्ट में जिस भी इंसान ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लिया होगा उसको 100% परसेंटाइल मिलता है. और फिर उसके बाद में जो परसेंटाइल है जितने भी नीचे के मार्क्स हैं उनके लिए चेंज होते रहता है. तो जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क लिए होते हैं उस शिफ्ट में, पर्टिकुलर शिफ्ट में, उसको 100% होता है. तो आपके इसमें कितने स्टूडेंट थे आपके शिफ्ट में, उसके बाद में हाईएस्ट मार्क किसको मिले हैं उसके ऊपर आपके परसेंटाइल डिपेंड करेंगे. तो ये सबके लिए वेरी करेगा कि अगर दो इंसान है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है, तो हम दोनों को सेम मार्क्स मिले हैं बट हम दोनों के परसेंटाइल वेराई करेंगे. उसको कम, अगर उसको उसको भी 90 है, मुझे भी 90 है, तो परसेंटाइल जो है हमारा वेरी कर सकता है. जैसे उसको 89 आ सकते हैं, या फिर मेरी शिफ्ट की, अगर मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी तो मुझे 92 आएंगे, और उसकी शिफ्ट अगर ईजी थी तो उसको 90 आएंगे, 91 आएंगे, तो ऐसे वेरी करता है. तो मैं आपको इन जनरल कैसे परसेंटाइल हो गया आपके, एक प्रिडिक्शन आप लगा सकते हो कि आपके परसेंटाइल के मामले में, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मुझे कितने मार्क्स मिले थे ओवरऑल. तो मुझे ओवरऑल 90 से 95 के बीच में मार्क्स मिले थे, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ, क्योंकि मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी खुद से कि मेरे को 90 के अबव परसेंटाइल मिलने वाले हैं. 90, 91 एक्सपेक्ट किया था मैंने, बट मुझे 92 मिले, 92.28. तो इसी तरीके से आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो अपने परसेंटाइल के मामले में. 150 के प्लस अगर आपका मार्क जा रहा है तो आपको 99 के अबाव जो आपके परसेंटाइल होंगे, ठीक है. उसके बाद अगर आपको 140 से 150 आ रहा है तो आपके जो परसेंटाइल होंगे वो 98 से 99 होंगे, ठीक है. और आपको मैं जो बता रही हूँ वो 19-20 हो सकता है, शायद वो 99 हो जाए. अगर 140 से 150 शायद वो 99 हो जाए, शायद वो 98 हो जाए, शायद वो 97 हो जाए, वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक. उसके बाद में 130 से 140 हो जाएगा 97 से 98, उसके बाद 120 से 130 हो जाएगा 96 से 97 परसेंटाइल. ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर 1% ज़्यादा या फिर 1% कम, वो डिपेंड करेगा. उसके बाद 110 से 120 तक अगर आपके मार्क्स है तो 95 से 96 होगा, एंड अगर 100 से 110 तक अगर आपके मार्क्स है तो 94 से 95 आपका परसेंटाइल हो सकता है. 90 से 100 तक है तो 93 टू 94 हो सकता है. अब जैसे मैंने बताया कि मुझे मार्क्स थे 90 और 95 के बीच में, तो मेरे टाइम पे मेरे को आया परसेंटाइल मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से 92.28, ठीक है. इस परसेंटाइल को इतना भी सीरियसली ले लो मत, ठीक है. थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन के लिए इट्स ओके, तो 1-2 परसेंटाइल खुद को कम लेके ही चलो, क्योंकि अगर आपको उससे आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलते हैं तो आपकी एक्साइटमेंट और मतलब आपको वो फील, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा, ठीक है. अगर मैं उसी टाइम पर अगर सुनती थी कि 90 से 100, 93 मिल रहे और मुझे 92 मिले, और फिर वो 92 सुन के भी मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती थी क्योंकि मुझे मैं खुद से एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 93 मिले. तो अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से इतनी भी मत बढ़ा के रखो, थोड़ा बहुत अपनी लिमिट्स में रहो. और अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े भी कम मिलते हैं तो बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू हैव, क्योंकि आपने मेहनत की थी और आपके मेहनत का वो फल है, ओके. और 80 से 90 आए तो फिर 92 से लेके 93 तक आपका परसेंटाइल हो सकता है. अगर 70 आया, अब आप बहुत सारे बच्चों के जिनको 70 आया है, 60 आया है, 65 आया है, ठीक है. अगर आपको 70 है तो आपका परसेंटाइल 80% हो सकता है, ठीक है. 70 के नीचे कैसा हो जाता है ना, परसेंटाइल प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है. तो 65 है तो 75% आप ये कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो. और अगर आपको 56 है तो 60% आप अज्यूम कर सकते हो. अगेन मैं वही बोलूँगी कि 70 के नीचे मार्क्स को आपको, परसेंटाइल को आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है. 70 के ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो अपने मार्क्स इसके हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. राधे राधे, बाय बाय.